सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने तथा हमारे शरीर में फ्लूइड जमा होने पर दी जाने वाले के इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे, जो कि एक डायूरेटिक इंजेक्शन है। इंजेक्शन का नाम है फ्लूसेमाइड इंजेक्शन। फ्लूसेमाइड इंजेक्शन को हम फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह दोनों ही एक ही दवा की दो अलग अलग स्पेलिंग है, इनसे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। फ्लूसेमाइड इंजेक्शन दवा का जेनेरिक नाम है, केमिकल नाम है। आप में से काफ़ी दोस्त इस इंजेक्शन को इस नाम से नहीं जानते, इसके ब्रांड नेम से जानते हैं, जो कि पॉपुलर ब्रांड नेम है लेसिक्स इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जो लेसिक्स इंजेक्शन है उसका कंपोजिशन फ्लूसेमाइड ही रहता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी लेसिक्स इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जैसे कि क्या क्या स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है, इसकी क्या पैकेजिंग रहती है, क्या प्राइस होती है, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है, वह कौन से पेशेंट हैं जिनको यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, डोज क्या रहती है, किस रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको लेसिक्स इंजेक्शन, जिसे हम फ्लूसेमाइड इंजेक्शन भी कहते हैं, के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। फ्लूसेमाइड इंजेक्शन एक लूप डायूरेटिक इंजेक्शन है, जो हमारे शरीर में एक्सेस साल्ट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। यह यूरिन के आउटपुट को बढ़ाकर जो एक्सेस साल्ट है इसको शरीर से बाहर निकालता है। फ्लूसेमाइड इंजेक्शन, जिसे हम सब लेसिक्स इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, अगर इसकी स्ट्रेंथ और पैकेजिंग की बात की जाए तो यह इंजेक्शन 2 ml तथा 4 ml की अलग अलग पैकेजिंग में अवेलेबल है। साथ ही जो इसकी स्ट्रेंथ होती है 10 mg प्रति 1 ml होती है। जब भी 2 ml की हम एम्पुल खरीदते हैं तो उसमें हमें 20 mg फ्लूसेमाइड मिलेगा, और जब हम 4 ml का फ्लूसेमाइड एम्पुल खरीदते हैं तो उसमें 40 mg फ्लूसेमाइड मिलेगा। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी सस्ता इंजेक्शन है। जो 2 ml का एम्पुल है आपको 4 या 5 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, और जो 4 ml का एम्पुल है 11 से 12 रुपये में आपको मिल जाता है। फ्लूसेमाइड इंजेक्शन के अगर यूजर्स की बात करते हैं, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है, तो जैसा कि लूप डायूरेटिक इंजेक्शन है, जो इसका मुख्यतः प्रयोग है फ्लूइड रिटेंशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्लूइड रिटेंशन को हम एडिमा के नाम से भी जानते हैं। यह वह स्थिति है जब हमारे शरीर में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे कि पर्टिकुलर जगह पे पेन रहना और स्वेलिंग होना आम बात होती है। और यह जो समस्या है कई बार अन्य बीमारियों के कारण और कई बार कुछ मेडिसिन लेने के कारण भी हो सकता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए, जमा हुए फ्लूइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए यह लेसिक्स इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। और यह फ्लूइड जब हमारे फेफड़ों में जम जाता है, लंग्स में जम जाता है, तो इसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। और इस समय व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है और चेस्ट में पेन भी रहता है। और जब ये फ्लूइड हमारे मस्तिष्क में भर जाता है, हम सेरेब्रल एडिमा कहते हैं। उस समय मरीज को सिर में दर्द रहता है और मस्तिष्क में प्रेशर भी महसूस होता है। और दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट के पेट बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, उनकी जो वेंट से वो भी दिखने लग जाती, वो भी इसी कारण से होता है कि उनके पेट में फ्लूइड जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसको पेट दर्द उनका होने लग जाता है। और उस स्थिति को हम फ्लूइड रिटेंशन में ही इंक्लूड करते हैं। तो उस समय में भी, और जो मैंने तीनों कंडीशन बताई, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा और ये पेट में पानी भरने वाली स्थिति, इन सभी में भी फ्लूसेमाइड जो इंजेक्शन है यह डॉक्टर द्वारा मरीज को दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट है जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का पेशेंट है, जिसका हार्ट प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता है, तो उसके शरीर में भी ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल रखने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी, जिसे सामान्य भाषा में हम किडनी डिजीज भी कहते हैं, इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में से यूरिन के साथ में प्रोटीन बाहर निकलने लग जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिस कारण से व्यक्ति के पाँव में तथा एंकल्स में दर्द होने लग जाता है। तो उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी यह फ्लूसेमाइड इंजेक्शन बहुत अच्छा यूज़ लिया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता हो, तो उसे भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के जब इमरजेंसी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस समय भी यह इंजेक्शन जान बचाने के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और दोस्तों जो मैंने यूजर्स बताएं, हो सकता है इनके अलावा किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस फ्लूसेमाइड इंजेक्शन का प्रयोग करें। अब वीडियो के आगे के पार्ट में हम जान लेते हैं लेसिक्स इंजेक्शन किन किन मरीजों को नहीं लगाया जा सकता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
यदि कोई मरीज है जिसको यूरिन पास में प्रॉब्लम है, यूरिन उसकी आउटपुट प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही, तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। कोई पेशेंट है जिसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या है, किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, डायबिटीज़ का कोई मरीज है, किसी को ल्यूपिस नाम की बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, साथ ही गोट की बीमारी हो, या कोई पेशेंट हो जो सल्फा ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं इनसे एलर्जी को, तो इन सभी पेशेंट को यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। साथ ही कुछ कंडीशन ऐसी है जिसे आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर से शेयर करनी चाहिए, उसके बारे में आपको बता दूं। यदि किसी पेशेंट को अभी रिसेंटली MRI हुई हो या किसी प्रकार का स्कैन हुआ हो, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही हो, या कोई पेशेंट हो जो पास्ट में कभी भी फ्रूसमाइड इंजेक्शन से या टेबलेट से एलर्जिक रहा हो, तो इन सभी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि प्रॉपर जो दवा की डोज है कैलकुलेट करके आपको दी जा सके। साथ ही इन कंडीशन के अलावा भी कोई दूसरी मेडिसिन हिस्ट्री या डिजीज हिस्ट्री है तो उसके बारे में डॉक्टर को जोर से बताएं। वीडियो के आगे के पार्ट में जानते हैं फ्रूसमाइड इंजेक्शन की क्या डोज रहती है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, किस रूट से लगाया जाता है, तो यह इंजेक्शन IM इंट्रामस्कुलर तथा IV इंट्रावीनस दोनों ही रूट से लगाया जाता है। जब इस इंजेक्शन को इंट्रावीनस लगाया जाता है तो इसे बिल्कुल स्लो पुश किया जाएगा, मतलब 2 ml का जो एम्पुल है इसको 1 या 2 मिनट लगने चाहिए पुश करने में, इतना स्लो पुश करना होता है। और इस इंजेक्शन को लगाने के तुरंत 5 मिनट बाद में अपना असर बताना शुरू कर देता है। फ्रूसमाइड इंजेक्शन को इन्फ्यूजन में मिक्स करके भी लगाया जा सकता है, जैसे कि RL, NS, DA5, DNS इनमें भी मिक्स करके डॉक्टर पेशेंट को लगाया जा सकता है। अगर इसकी डोज की बात करते हैं, क्या इसकी डोज रहती है, तो शुरुआत में 20 मिलीग्राम फ्रूसमाइड पेशेंट को दिया जाता है, मतलब जो 2 ml का एम्पुल है वो स्ट्रेट दिया जाता है। और अगर पेशेंट को अगर फ़ायदा नहीं होता है तो 2 घंटे के बाद इसको रिपीट किया जा सकता है, 2 घंटे के पहले इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। और इस इंजेक्शन को यदि 1 दिन से ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है तो मरीज को दिन में 1 बार तथा दिन में 2 बार आवश्यकता अनुसार लगाने की सलाह दी जाती है। और किसी किसी पेशेंट में जब 20 मिलीग्राम काम नहीं करता है, उस अच्छा असर नहीं मिलता है, तो 40 मिलीग्राम जो 4 ml के एम्पुल है वो भी लगाया जाता है। अगर बात करें प्रेगनेंसी में यह इंजेक्शन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता, तो फ्रूसमाइड इंजेक्शन प्रेगनेंसी में कैटेगरी सी की दवा है, तो सामान्यतः इसको नहीं दिया जाता, और बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने पर स्पेशल प्रिकॉशन के साथ में तथा लो डोज में डॉक्टर द्वारा इसको दिया जाता है। दोस्तों, जब भी इस इंजेक्शन को पेशेंट को लगाया जाता है, एक बार उसकी स्थिति कंट्रोल आ जाती है, तो लंबे समय तक इसको फ्रूसमाइड जो टेबलेट है, लेसिक्स टेबलेट है, उस पर रख के प्रॉपर इलाज दिया जाता है। और एक बात आप सभी को बताना चाहूँगा, जब भी फ्रूसमाइड इंजेक्शन या फ्रूसमाइड जो टेबलेट है पेशेंट को दी जाती है, तो इसमें व्यक्ति के शरीर में से पोटेशियम जो साल्ट है उसका लॉस होने की चांसेस रहते हैं, वो उसकी कमी हो जाती है। इसी कारण से आपने देखा होगा, जब भी फ्रूसमाइड इंजेक्शन या टेबलेट लंबे समय तक दी जाती है, तो इसके साथ में एक और एडिशनल मेडिसिन दी जाती है जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक है, जैसे कि स्पिरिनोलेक्टोन। यह फ्रूसमाइड टेबलेट के साथ में दिया जाता है, जिससे कि जो पोटेशियम साल्ट का बैलेंस है बॉडी में बना रहे। और दोस्तों, फ्रूसमाइड तथा स्पिरिनोलेक्टोन इन दोनों ही टेबलेट के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, यदि आप में से कोई देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इसे लिंक दिया है, वहाँ पर भी क्लिक करके इन दोनों दवाओं के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस दवा की क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं यदि किसी व्यक्ति को इसके अनडिजर्व इफेक्ट मिलते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, उसमें व्यक्ति को सिर दर्द हो सकता है, सिर चकराना एक समस्या हो सकती है, कान में उसको घंटियों बजने से आवाज़ आ सकती है, जिसे हम टिनाइटस कहते हैं, सर्दी लग सकती है, सनलाइट से सेंसिटिविटी हो सकती है, अचानक से उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड उसको लग सकती है, और जिस जगह पे इस इंजेक्शन को लगाया है वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, वहाँ पे रेडनेस होना, हाइव्स होना, ब्लिस्टर होना और दर्द होना, ये कुछ सामान्य समस्या हो सकती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले, तो तुरंत इस इंजेक्शन को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और फ्यूचर में इस इंजेक्शन आप प्रयोग नहीं करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने कंप्लीट जानकारी आपको फ्रूसमाइड इंजेक्शन, जिसे हम सभी लेसिक्स इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बता दिए। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी, सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट आपको रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जोर से पूछें, मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। आप अपने दोस्त मोहित दादी से साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।